कोटे के वार्ड नंबर 11 के पार्षद विपिन बिहारी गुप्ता को 7-8 व्यक्तियों ने पानी की पाइपलाइन को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पार्षद को बुरी तरह से मारपीट की गई और कपड़े फाड़ दिए। इस पर पार्षद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस द्वारा पार्षद का मेडिकल मुआयना करवा लिया गया और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर एक अन्य की तलाश कर रही है। उल्लेखनीय है कि पार्षद को पीटने वाले परकोटा क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने के लिए कुख्यात होने के साथ साथ गैर कानूनी काम करने वाले और आपराधिक छवि का उनका इतिहास रहा है। इसको लेकर शहर में चर्चाओं का माहौल गर्म रहा। विगत कुछ दिनों से पार्षदों के साथ पुलिसिया दुर्व्यवहार व मारपीट के अकारण घटनाएं सामने आई, जिससे पार्षदों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पार्षदों का कहना है कि रूलिंग पार्टी के पार्षदों के साथ इस तरह से होगा ये कभी सोचा भी नहीं गया था। बहरहाल फिलहाल अपोजिशन पार्टी के पार्षद सेफ जोन में नजर आते हैं। नितिन जी, आज आपके साथ क्या हुआ? मैं सुबह मंदिर से आराम से दर्शन करके जा रहा था। हाँ। मैं मेरी दुकान पर जा रहा था, ये मित्र की दुकान है मेरी, और मेरे को पीछे से आवाज़ दी, अरे रुक। मैं गाड़ी 30 मीटर बैक लिया, मेरे को गाड़ी में मेरे साथ मेरे दोस्त रिशवाल भी साथ था, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। तो उतरने भी नहीं दिया मेरे को, गाड़ी ग्लोव के साथ गाड़ी से खींच लिया बाहर। 7-8 जने 10 जने थे उसमें। ये जब तेरे बाप का है क्या, ये रोड नहीं जाएगा, ये पाइप लाइन ऐसे नहीं जाएगी, बीच में से जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। तो बस मेरे साथ मारा पीटी से। अब आप क्या चाहते हैं, पुलिस को संतुष्ट है कार्रवाई से? नहीं, कोई अभी तो एक जना ही गिरफ्तार हुआ, मेरा डॉक्टर मायना हो गया, मेरा इलाज हो गया, डॉक्टरों ने मेरा इलाज कर दिया, इंजेक्शन लगा दिए मेरे, और मेरे दर्द हो रहा है जिसकी दवाई लगा दी, और नाक में दर्द हो रहा है उसकी दवाई लगा दी, एक्स्ट्रा हो गया मेरा। अभी आप क्या चाहते हैं? गिरफ्तार हुआ अभी। अच्छा, उनके चारों बेटे और हैं, 4-5। कितने लोग और थे? 7-8 जने थे। तो आप चाहते हैं 8 लोग और अंदर बंद हों और सबसे सच्चे का मिले? हाँ।